हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या कोई सोच सकता है कि जिस कंपनी को टू व्हीलर्स का व्हील भी बनाना नहीं आता था, वो कंपनी आज चाइनीज कंपनी को खाड़ के फेंक रही है? यकीन नहीं होता तो देखिए। इज अ सक्सेस बॉक्सर मेड स्ट्रॉन्गर टू लास्ट लॉन्गर। जी हाँ, बजाज, हमारा बजाज। लेकिन बस बजाज ही नहीं, एक कंपनी और है जिसने चाइनीज कंपनियों के नाक में दम कर रखा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उस कंपनी को एक लॉयर ने बनाया है। आखिर कौन सी है ये कंपनी, आइए देखते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री, अगर आप दुनिया भर में नजर घुमाओगे तो इस इंडस्ट्री में आपको 10 में से 4 इंडियन कंपनीज ही दिखाई देंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री की लिस्ट में सबसे टॉप पर है हमारा बजाज। अब जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 1,00,000 करोड़ का हो तो उसके आगे चाइनीज कंपनी को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ अफ्रीका में। इस अकेले कंपनी ने 160 चाइनीज कंपनियों को अफ्रीका से बाहर करवा दिया। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। अगर आप अफ्रीका की पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुरुआत से ही टू व्हीलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहाँ के लोगों के पास केवल दो ही ऑप्शन थे, एक तो वो जापानीज बाइक यूज करते जो एकदम दमदार होने के साथ साथ महंगी थी, और रहा दूसरा ऑप्शन चाइनीज बाइक का, तो वो एकदम सस्ती थी। लेकिन भाई लोग, आपको तो पता ही है, चाइना का माल चला तो चांद तक नहीं तो रात तक। ऊपर से ऐसे रात तक चलने वाले माल के लिए ना चाइना वालों ने अफ्रीका में कोई सर्विस सेंटर बनाए और ना ही असेंबली सेंटर्स। जी हाँ, अफ्रीका में सिर्फ चाइना से बाइक के पार्ट्स आते थे जो अफ्रीकन्स को लोकल मैकेनिक से असेंबल करवाने पड़ते थे। इतना सब करके भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता था। अफ्रीका के खराब रास्ते और लोगों के रफ यूज की वजह से बाइक्स का बार बार खराब होना चलता ही जा रहा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि वहाँ के लोग ठहरे गरीब, जो एक तरफ जापानीज महंगी बाइक को खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे और दूसरी तरफ चाइनीज बाइक लेकर उसको बार बार बना भी नहीं सकते थे। तो बस यही गैप हमारे बजाज ने पहचान लिया और अपनी बजाज बॉक्सर अफ्रीका में लॉन्च कर दी। ये बाइक इतनी मजबूत थी कि अफ्रीका के कठिन सड़कों में आराम से चलती थी। अफ्रीकन कंज्यूमर्स की जरूरत को समझते हुए इसको क्वालिटी के मामले में इतना टॉप क्लास रखा था कि ये बाइक सीधा जापानीज बाइक्स को टक्कर देने लगी। जहाँ अक्सर बाइक में 100 सीसी का इंजन होता है, वहीं इसमें 150 सीसी का इंजन बिठाया था। और इतना होकर भी इनकी प्राइस जापानी बाइक के मुकाबले कम ही थी, इसीलिए तो वहाँ के कंज्यूमर सोचने लगे कि चाइनीज बाइक्स लेने से अच्छा है कि थोड़े से पैसे डाल के बॉक्सर ही ले लेते हैं। और इसी वजह से अफ्रीका का सारा टू व्हीलर मार्केट चाइना के हाथों से फिसलता चला गया और इसी प्रकार चाइना की 200 में से 160 कंपनीज को ताला लगाने की नौबत आ गई। इसकी मजबूती इतनी थी कि आगे जाके इस बाइक की सेकंड हैंड मार्केट में भी काफी डिमांड बढ़ने लगी। इसे आज भी सेकंड हैंड खरीद के बोडा बोडा के तौर पे यूज किया जाता है। बोडा बोडा ये एक टाइप की बाइक टैक्सी है जिससे सामान, लोग, यहाँ तक कि पेशेंट्स को भी लेके जाया जाता है। और तो और, इसे एम्बुलेंस जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या आप जानते हो, यही बजाज एक जमाने में खुद की बाइक बनाने लायक भी सक्षम नहीं थी। देखा जाए तो 70s के दशक में पूरी दुनिया में बाइक का लौता राजा था जापान, जिसकी बाइक्स इटली, यूके, यूएस से लेके सारे देशों में बेची जाती थी। पर आज 1,00,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ बजाज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। आखिर कैसे? बात है 1945 की। तो बजाज कंपनी बाइक के पार्ट्स इम्पोर्ट करके इंडिया में बेचा करती थी। गांधी जी को मानने वाले जमनालाल बजाज जी ने भारत की आजादी में तो फ्रीडम फाइटर्स को साथ दिया ही, पर आजादी के बाद भी अपने बिजनेस के जरिए इंडियन इकोनॉमी को मजबूत किया। इनका ये हौसला देखकर 1969 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया। लेकिन तब उन्हें बाइक्स और थ्री व्हीलर रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने इटली के पियाजियो के साथ पार्टनरशिप करके एक मॉडल बनाया जिसका नाम था वेस्पा। लेकिन पार्टनरशिप की वजह से बजाज का ग्रोथ रुकने लगा। जब ये बात उन्हें समझ आई तो बिना देर गवाए बजाज ने बाइक बनाना सीख लिया और तब जाके आविष्कार हुआ बजाज पल्सर का, जिसने आते ही इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। और आज देखिए, इसी कंपनी की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों का घर चल रहा है, क्योंकि उसके बाद बजाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जल्द ही पूरे 70 देशों में अपना परचम लहरा दिया, जिसमें से सबसे बड़ा मार्केट रहा अफ्रीका का। पर बजाज के आने के बाद भी मार्केट में 40 चाइनीज कंपनीज बची ही थी, जिन्हें टक्कर दी सेकंड प्लेयर टीवीएस ने, और आज उन 40 कंपनियों का भी अफ्रीका में टिकवाना नामुमकिन हो गया है। बजाज की तरह ही टीवीएस के जन्म की कहानी काफी इंस्पिरेशनल है। इस कंपनी को 1877 में तमिलनाडु के एक लॉयर ने बनाया था। जी हाँ, टीवीएस के ओनर को अपने पिता की मर्जी के खातिर
खातिर कई जगह जॉब करना पड़ा, जैसे इंडियन रेलवे हो या फिर गवर्नमेंट बैंक्स, लेकिन हमेशा से उनमें बिजनेस करने की चाह थी, जिस वजह से उन्होंने पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कदम रखते हुए मदुरई शहर में बस सर्विस शुरू की। पर कुछ ही दिनों में वो इस बिजनेस से एग्जिट लेते हुए बाइक इंडस्ट्री में चले गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें इंडिया की सड़कों पे टीवीएस बाइक्स नहीं देखने को मिलती। लेकिन टीवीएस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में, खास करके अफ्रीका की सड़कों पर अपना नाम लिख रही है, और इस वजह से आज चाइना की बची हुई 40 कंपनियों के वजूद पर सवाल उठ रहा है। अब आपके भी दिमाग में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया कि अफ्रीकन लोगों को चाइना से बेहतर क्वालिटी की बाइक्स जापान से कई गुना सस्ते दामों में दे दी। तो इसके पीछे की वजह है अपना इंडियन टैलेंट। अपने इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है और उसी वजह से कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, जितना कंपटीशन ज्यादा उतनी सैलरी कम, और इन्हीं कम सैलरीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाला खर्चा भी कम। तो यही राज है कि हम जापान जैसी अच्छी क्वालिटी की बाइक्स चाइनीज बाइक से थोड़ी महंगी पर जापान से कई गुना सस्ते दामों में बेच पाते हैं। पर सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया में भी हम टू व्हीलर मार्केट में राज कर रहे हैं, जिसमें बजाज तो है ही, पर 2022 में टीवीएस और हीरो मोटर्स ने भी अपना कमाल दिखाया है। हमने पूरे साल में 17.7 मिलियन टू व्हीलर्स बेचे हैं, जहां हमारा सेल्स चाइना के सेल्स से 1 मिलियन बाइक से ज्यादा था। और शायद इसी से गुस्सा होकर चाइनीज कंपनीज ने अब ऐसी रेसिस्ट एड बनाई है। और ये वीडियो ऐसे ही किसी ने नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पर डाली है, जहां अब चाइना समझ गया है कि वो इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता, तो उसने इंडियन बाइक्स के मोड्स और टेक्नोलॉजी चुराना शुरू किया है। अब इस पे फैक्ट भाई चाइना वालों से इतना ही पूछना चाहेगा कि भले ही आप भुलिया कॉपी कर लो, लेकिन हमारे जैसी क्वालिटी लाओगे कहां से? और इस सक्सेस का क्रेडिट बजाज और टीवीएस के साथ ही साथ हीरो को भी जाता है। पर आज जो टू व्हीलर इंडस्ट्री का हीरो है, वो एक जमाने में साइकिल के पार्ट्स बेचने का बिजनेस करता था। दरअसल ये स्टोरी है मोहन लाल और उनके तीन भाइयों की, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में ही बसे थे, पर बिजनेस की चाह उन्हें कमारिया से अमृतसर ले आई। नहीं तो आज हीरो इंडियन नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी ब्रांड होता। पर ऐसा नहीं हुआ, अमृतसर से लुधियाना आके उन्होंने साइकिल के पार्ट्स बेचना शुरू किया, और कुछ ही सालों में उन्होंने गवर्नमेंट से साइकिल बनाने के लाइसेंस के साथ साथ 6 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट भी पा लिया। फिर 1986 में उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी बाइसिकल कंपनी के नाम से गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद वो बाइक बनाने के बिजनेस में उतर गए। और देखिए आज वही साइकिल बनाने वाली कंपनी बाइक के गियर लगाकर सक्सेस की रेस जीत गई। लेकिन हम आज सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाइना के साथ साथ जापान को भी टू व्हीलर मार्केट में टफ कंपटीशन दे रहे हैं। पर आने वाले दिनों में भी अगर हमें हमारी यही डोमिनेंस रखनी है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर फील्ड के लोग आईटी सेक्टर में चले गए तो आने वाले समय में हमें स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी महसूस हो सकती है, जिससे कि हम हमारी दुनिया में बनाई हुई जगह गंवा सकते हैं, जिसे बचाने के लिए हमें मेक इन इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने चाइना को टक्कर देते हुए उनकी 160 कंपनियों का दिवाला निकाल दिया। अब इतना सारा चाइना का नुकसान करने के बाद चाइनीज लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना तो बनता है। तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करिए और जानिए चाइनीज लोगों की इंडियंस के बारे में क्या राय है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।